एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हम सब के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है हेयर फॉल। यानी इस मौसम में हमारी हेयर फॉलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें। और कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जैसे ही बालों में कॉम करो या शैम्पू करो तो उसके साथ साथ हमारे बाल भी आने लगते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत सारी रेमेडी का यूज़ करने लगते हैं, बट रिज़ल्ट क्या मिलता है? रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलता और हम दिन पर दिन हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी हेयर टॉनिक लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी हेयर फॉलिंग इस बारिश के मौसम में बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। आपके बालों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये हेयर टॉनिक आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, आपकी हेयर फॉलिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी कि वो घने भी और लंबे भी बहुत जल्दी होंगे। तो ये हेयर टॉनिक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे। तो देखते हैं कि इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने खाली बाउल ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच भर कर वेनेगर। दोस्तों जो वेनेगर होता है ये हमारी बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें गिरने से बचाता है और उनमें एक्स्ट्रा शाइन पैदा करता है। वेनेगर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और दूसरा हम ऐड करेंगे, दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो, और इसमें हम ऐड करेंगे इसके बाद एक बड़ा चम्मच प्याज का रस। मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है और कपड़े से छान के उसका जूस निकाल लिया है। इसमें आप ऐड करिए प्याज का रस, ये देखिए इस तरह से। और थर्ड मैं एक चीज़ और लेंगी जो शायद आपके लिए सरप्राइज़ होगा, वो है दोस्तों कद्दू। हमारे घरों में ये ज़रूर बनता है, भले ये किसी को पसंद हो या ना हो दोस्तों, मगर इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं कि मैं अगर आपको बताऊँगी तो आप हैरान हो जाएंगे। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए होता है दोस्तों, जो हमारी स्किन से लेके बालों तक के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्या है कि मैंने कद्दू को स्ट्रेनर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैं ग्रेट करना आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि आप सभी जानते हैं, और ग्रेट करके मैंने कपड़े से छान के इसका जूस निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कद्दू का जूस और यह, और इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच ये कद्दू का जूस। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बालों की जड़ों को इतना मजबूत कर देगा कि आपके बाल आप ऐसे खींचेंगे भी तो बिल्कुल मजबूत इतने हो जाएंगे कि आपके बालों की जड़ें इतनी मजबूत कर देगा कि आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं आगे भी आपसे कद्दू के और सारी बहुत सारी रेमेडीज़ जो है आपसे शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊं और इसके फायदे भी बताऊं आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब करना क्या है कि इस पूरे मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह से मैं आपको लगाने का बताती हूँ तरीका। ये आपको रेमेडी जो है हफ्ते में दो बार यूज़ करनी है दोस्तों। इस जूस में कॉटन बॉल्स को डिप कर लीजिए और बालों की जड़ों में आप डैब डैब करते हुए लगाएंगे, और लगाने के एक घंटे बाद आप अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप हफ्ते में दो बार ये रेमेडी यूज़ करिए, यानी दो बार ये हेयर टॉनिक आपको अपने बालों में लगाना है, और आप देखेंगे कि दो हफ्तों में ही आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा दोस्तों, और आपकी बालों की जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। ये आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें घना भी बनाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और मैं इसी तरह की रेमेडी लेकर आती हूँ जो 100% इफेक्टिव हूँ। अगर आपको पसंद आए और मुझे मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ और इफेक्टिव रेमेडीज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।